हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है। तो सिर्फ आपको एक वीडियो देखने की जरूरत है, फिर आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखना है ब्लैक बोर्ड पर और कैसे डायग्राम बनाना है, क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है, तो आप वो नोट कर लीजिए और वही एग्जाम में लिखाइए तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स के यूनिट वन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, फेज वेलोसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं और निकालते हैं रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीपी से, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लें, ओमेगा इज इक्वल टू के वीपी आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो होता है वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, वो होता है चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन चेंज इन वेव नंबर। और ये फॉर्मूला कैसे आया दोनों, इसकी डेरिवेशन हम पिछले जो हमारा वीडियो था फेज वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन और ग्रुप वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन और एक्सप्रेशन डेरिवेशन, वो मैं आपको वहां करके दिखा चुका हूँ। वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू है के वी पी। अब यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल भी जिसको बोलते हैं हम। पहले हम के का डेरिवेटिव करेंगे, वन आ जाएगा, वी पी को ऐसे रहने देंगे, फिर हम के को ऐसे रहने देंगे, वी पी का डेरिवेटिव करेंगे। अब के जो होता है वो होता है वेव नंबर और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है टू पाई बाय लैम्डा। तो डी वी पी ऊपर ऐसे ही रहेगा, वैगर लगाने की कोई जरूरत नहीं है डी बाय। तो यहाँ पर अगर हम टू पाई बाय लैम्डा पुट कर दें, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी, तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह टू पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और वन अपॉन लैम्डा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। जो इसको सॉल्व करेंगे तो वीजी की वैल्यू आएगी वी पी, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन जो यहाँ था वो बीच में आ जाएगा और ये वाला वन अपॉन लैम्डा जो बचा है हमारे पास, ये वन अपॉन लैम्डा ऊपर आके लैम्डा बन जाएगा और साथ में आ जाएगा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। तो ये है स्टूडेंट्स ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन जो आपको पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।